Hand! Westra! Red! Pizza! Red! Soldat! खड़े थे आदमी सड़क कहा वही पीछे ले जाओ पीछे ले डालो इसको पीछे रख दो रेडी अब डालो अरे उतरे पे यहाँ ले अब ले लो जी अब ले लो ब्रो डाउन कमांड करने को चलना डाउन डाउन तो एक नंबर बोलेगा चले अप गो अप एक बार नंबर अप गो चलो एम्बुलेंस की तरफ चलो एम्बुलेंस का है वो खड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्बुलेंस कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिन बच्चों की ब्रिगेड बनी हुई आप लोग डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट और सेकेंड आए थी टीम में वही टीम हमारे पास स्टेट में आएगी ठीक है ना 16 से 19 नवंबर को आपका कॉम्पिटिशन है स्टेट लेवल का और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में जो हमारे गवर्नर है हरियाणा के वो बच्चों को सम्मानित करते हैं ठीक है ना आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको सम्मानित किया जाता है तो आप लोगों ने स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी शुरू कर देनी है अभी से उसमें क्या चीज देखते हैं हम लोग आपको फर्स्ट एड का कितना ज्ञान है पहले आपका वायदा होता है बात करते हैं आपसे पूछते हैं फर्स्ट एड किसे कहते हैं है ना आप किसी व्यक्ति की ब्रीथिंग कैसे चेक करोगे किसी व्यक्ति का हार्ट काम कर रहा है नहीं कैसे चेक करोगे ये हम लोग आपसे वायदा में क्वेश्चन करते हैं कैटेगरी के हिसाब से 6 कैटेगरी की टीमें पार्टिसिपेट करती है ये जो बेटियां बैठी है छोटी इनको बोलते हैं कैडेट नर्सिंग डिविजन 16 साल से कम के बच्चे और ये जो इधर छोटे बच्चे बैठे हुए हैं 16 साल से कम उनको कैडेट एम्बुलेंस डिविजन उसके बाद क्या रहती है हमारी एम्बुलेंस डिविजन में क्या है 16 साल से ऊपर के बच्चे स्कूल के हों चाहे वो कॉलेज के हों चाहे यूनिवर्सिटी को तो जो बच्चे की एम्बुलेंस डिविजन है मेल कैटेगरी में 16 साल से ऊपर या फीमेल कैटेगरी में नर्सिंग डिविजन है ठीक है ना 4 कैटेगरी हमारी होगी 5वीं कैटेगरी है आपकी एम्बुलेंस डिविजन प्रोफेशनल प्रोफेशनल में क्या है पुलिस की आती है होम गार्ड की आती है एनजीओ की टीम में आती है इसी तरह नर्सिंग डिविजन बोलते हैं लड़कियों को उसकी प्रोफेशनल कैटेगरी में क्या है उसमें पुलिस होम गार्ड सिविल डिफेंस इंडस्ट्रीज ठीक है और एनजीओ ये टीमें शामिल होती है तो आप लोगों ने क्या करना है कि अभी साथ में तैयारी शुरू कर देनी है और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास में हम स्पेशल प्राइज देते हैं 2 अवार्ड 2 सिल्डे फर्स्ट और सेकंड किसके लिए मार्च पास्ट के लिए आप लोगों ने बेटा मार्च पास्ट कर रहे हैं आपके हाथ मिलना चाहिए आपको कदम मिलना चाहिए आपके आपको सैल्यूटिंग आनी चाहिए सैल्यूट कैसे करना है आपका यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए ठीक है दूसरी बात क्या है ये जो ब्रिगेड है ब्रिगेड का काम केवल ब्रिगेड की फॉर्मेशन करना नहीं है हमारा जो काम है केवल ब्रिगेड बनाना नहीं है हमारा काम क्या है वास्तविक काम क्या है वास्तविक काम क्या है आपने अवेयरनेस करना आप लोग बेटे जब स्कूल के अंदर ट्री प्लांटेशन करते हो आप इस यूनिफॉर्म में पहन के ट्री प्लांटेशन करो और आपके फोटोग्राफ में जाने चाहिए वो अवेयरनेस दूसरे लोग उससे इंस्पायर होते हैं ना कि हाँ देखो स्कूल में अच्छा काम हुआ ब्रिगेड अच्छा काम करती है ठीक है दूसरी बात जब बात करते हैं हम लोग वॉलंटरी ब्लडोनेशन की स्वैच्छिक रक्तदान करो आप लोग रक्तदान नहीं कर सकते आप 18 साल से कम हो लेकिन रक्तदान के लिए मोटिवेशन कर सकते हो ठीक है ना आपका जन्मदिन आता है आपको पता है कि मम्मी पापा बहुत हेल्दी है अच्छे है पापा मम्मी आज तो आपने खूनदान करना है वो क्या है अवेयरनेस आप हेल्थ हाइजीन की बात करते हैं हम लोग कि साफ रहना है
केवल यहाँ का यहाँ नहीं बात कर रहे, घर में जाके बताना है कि आपने हाथ को साफ करना है, हाथ को धोना है खाना खाने से पहले, ठीक है ना, रात को सोने से पहले ब्रश करना है एक बार, रात को मीठा नहीं खाना है, ठीक है ना। ये बातें क्या है, ये अवेयरनेस है, ठीक है। फर्स्ट एड की हम लोग बात करते हैं, किसी को अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक आ गया, क्या करना है, तो वो जब आपको सिखाया जाता है कि हाँ हार्ट अटैक बड़े व्यक्ति को नहीं चलने देना है, और अगर टैबलेट करके हम लोग क्या साइड सिम्टम है, इसको मतलब क्या है, वो अवेयरनेस है। ब्रिगेड की डिविजनों ने अवेयरनेस करनी है। तीसरी बात क्या है, आपके स्कूल के इवेंट होते हैं, होते हैं स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, हर स्कूल में होते हैं, एनुअल फंक्शन भी होते हैं स्कूल में, कोई भी इवेंट होता है, कोई एनुअल फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, आपको हम लोग फर्स्ट एड बॉक्सेस देते हैं फ्री में, आपको मिल गया सुनील जी, फर्स्ट एड बॉक्स हम स्कूल में देते हैं। जब आप फर्स्ट एड की बॉक्स लगाओगे उसके ऊपर लिखो जिलाधरी जी ट्रिपल एस एम्बुलेंस डिवीजन यमुना नगर, ठीक है ना, और पीछे बैनर लगाओ, परमानेंट बैनर लगाओ, लिखा होगा फर्स्ट एड पोस्ट, ठीक है ना। आप बच्चे वहां पे फर्स्ट एड पोस्ट पे क्या करोगे, फर्स्ट एड बॉक्स रखोगे, आप पांच छह बच्चे वहां पे ड्यूटी देंगे, किसी को चोट लगी क्या करना आपने, इमीडिएटली क्या आपके पास बैंडेज है ना, उसके अंदर पट्टी को बांध दो, असली काम किसने करना है, डॉक्टर ने, लेकिन उसके शरीर से ब्लड को लॉस ना हो, ब्लड को कंट्रोल कर ले, वो काम आपने करना। किसी को मौत आ गई है क्या करना है आपने, चलो मौत आई कोई बात नहीं, मैं आपको लेके जाता हूँ, है ना, उस इवेंट से फर्स्ट एड पोस्ट तक लेके आना, और फर्स्ट एड पोस्ट से फिर गाड़ी में, फिर आपके स्कूल के टीचर का काम है कि हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम लोग उसको बुलाएंगे, तो ये काम क्या करना, फर्स्ट एड पोस्ट लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। वहां फर्स्ट एड पोस्ट लगाओगे, जब आपने ट्रेनिंग ले ली है, आपने फर्स्ट एड कभी की नहीं जिंदगी में, जरूरत पड़ेगी तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, भूल जाओगे उसको, तो आप लोगों ने ये काम भी करना है, इसका काम भी करना है, तो हम लोग क्या करें, बच्चे बैठे हैं, आप देश का भविष्य है, देश का भविष्य यानी देश आपके हाथों में आने वाला है, आप में से ही कई ऑफिसर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, स्पोर्ट्स मैन बनेंगे, प्लेयर्स बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और पीएम भी बनेंगे, ये होता है देश का भविष्य। और आप में से ही कई बच्चों को अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन देने वाले गुरु भी बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रेडक्रॉस संस्था समय समय पर समाज को जागरूक करने के लिए कई तरह के प्रकल्प चलाती है, उसी में ये जो आपका ट्रेनिंग चल रही है, और एचआईवी के बारे में शबनम जी ने भी बताया, एचआईवी को एक डर बना लिया गया है कि ये इनक्योरेबल है और छूत की बीमारी है, अगर हम किसी को हाथ मिला या किसी को एचआईवी है तो वो हमारे ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ये क्योरेबल है। लेकिन हमारे समाज का जो ताना बाना है वो ऐसा है कि वो इसको एक वायरस, ऐसा वायरस मानते हैं कि जैसे किसी को हाथ छूने से, किसी का पास बैठने से चला जाएगा, साथियों ऐसा नहीं है। रही बात ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में आप जहां भी देखो पूरे विश्व में, कहीं कोई बाढ़ आ जाए, कोई सूखा पड़ जाए, कहीं आग लग जाए, कोई एक्सीडेंट है, कुछ भी है, जितनी बड़ी आपदा कोई है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स पहुंचेंगे, और उसी की ट्रेनिंग की ये जो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, आज चलाई जा रही है। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे, शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को जाना है, प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है,
अपने हैं कौन।